Yo, what's happening guys, my name is Logi और आज हम फिर से Minecraft की एक brand new दुनिया के अंदर मौजूद हैं और आज मैंने सोच के रखा है कि मैं Minecraft speed run बनाऊंगा। तो guys आज मैं यहाँ पर खतरनाक speed run करने जा रहा हूँ और guys अगर मैं अपने armor की तरफ देखूँ तो guys already guys मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत head start कर लिया है। तो guys मैंने off video यहाँ पर थोड़ी बहुत grinding करके रखी है और guys मैंने सोच के रखा है कि क्यों ना guys मैं यहाँ पर भाई speed running कर ही रहा हूँ तो मैं इसकी video भी बना लूँ। ये कौन भाई साहब, ये कौन भूतों वाली आवाज यहाँ पर कहाँ से आ रही है भाई? गाइस आपने सबने सोता भाई, आप सबने अभी गाइस सुना ना, यहाँ पर कोई ना कोई गाइस मेरे कान के सामने भाई व्हिस्परिंग कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आस पास देखो तो अच्छा चपाती भाई है। भाई क्या माइक्रोफोन के अंदर भाई विस्परिंग कर रहे हो नूडल की तरह? चुप कर, एक खुफिया शॉप है यहाँ पर। ओ भाई क्रीपर यहाँ पर आ चुका है, भाई पहले क्रीपर को मारते हैं, लेट्स गो। उसको मैंने बोला ना यहाँ पर खुफिया शॉप है। अच्छा हाँ सॉरी, शॉप है नहीं, ये शॉप है, ये नूडल शॉप है, ये शॉप। दरवाजा पहले था ही नहीं, आप ऐसे ही मुझे भाई फेंक रहे हो। भाई ये मेरा फेंस मेरी स्क्रीन के ऊपर गलत तरीके से टूटा हुआ है। व्हाट है भाई, ऐसा आपने ऐसा कौन सा ग्लिच आपने यहाँ पर मार लिया? अच्छा एनीवे चलो भाई उसको छोड़ो, सुनो चपाती भाई आज मैं यहाँ पर माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे भाई खोलूं पीछे से तलवार के साथ? अच्छा भाई ये मेरी सीक्रेट शॉप है, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। भाई वैसे भाई आपने एकदम से गांव के सेंटर में बना के रखी, आई थिंक सबको पता होगा कि यहाँ पर आपने शॉप खोली है। अरे ये इसी गांव के एक्सक्लूसिव शॉप है। आइए आइए चल रहा है ना भाई, इसको नौकरी बंदे को। भाई गोलम यहाँ पर है ही नहीं और गोलम को छोड़ो यहाँ पर तो गाँव वाला भी नहीं है। भाई ये कैसा खुफिया गाँव आपने यहाँ पर खोज के रखी है? अरे वो कस्टमर ढूंढ लेते हैं तो वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा रहने दो भाई, रहने दो। अच्छा वैसे भाई मुझे भी बताओ आपने यहाँ पर कौन सी शॉप खोल के रखी है? अरे ये है हमारे चमत्कार डिस्पेंसर। तो माइनक्राफ्ट की तरह जैसे मैं हाईपिक्सल खेलता हूँ, वहाँ पर मंगलूज होते हैं, यहाँ पर हमने रखे हैं डिस्पेंसर। इनकी भी आंखें हैं और एक मुंह है, तो हमारी माइनक्राफ्ट की हाईपिक्सल की दुनिया में जो है मंगलू का मुंह भी खुला होता है और यहाँ पर इनका मुंह भी खुला होता है, देख रहा है? अच्छा मैं देख रहा हूँ। अरे यहाँ से मैंने लिवर में लगाया यार, होल्ड होने से अकेले, तो यहाँ से भाई यहाँ। अरे उसके साइड में लगा तो हुआ भाई, लिवर नहीं लगाया मेरे को, ऐसे खड़ा करके दिखाना था। अच्छा अच्छा ये इसके हाथ है क्या? ये इसके यहाँ पर ये पारी। और भाई इसके तो भाई खतरनाक कान निकल गए भाई, गधों वाले। ओके मुझे तोड़ना पड़ेगा। अभी मैं तेरे को पता की बात बता रहा हूँ, बोलो बोलो। कोई मामूली डिस्पेंसर नहीं है, ठीक है? इसके अंदर तो कचरा डालेगा, ये तेरे को ओपी मार देंगे। अच्छा ऐसा क्या है, ये कैसा डिस्पेंसर होता है माइनक्राफ्ट के अंदर? ये है हमारा रिसाइकलिंग बिन। तो अच्छा भाई मैं समझ गया। तो मैं गाइस अभी बोलने वाला था कि मेरे पास भाई बहुत ज्यादा यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो भाई अगर मैं इसके अंदर डालू तो ये मुझे कौन सी ओपी आइटम्स देगा? भाई ट्राई कर ले। आ जाओ भाई मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो गाइस मुझे सैपलिंग्स तो चाहिए ही नहीं, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर रखूंगा सैपलिंग्स। ओके रेडी हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। ओके मैं पीछे यहाँ पर खड़ा हूँ। चपाती भाई चला दो डिस्पेंसर को, सामने मत आइए, लेजर मारता मुंह से। अच्छा लेजर, हां मैं साइड में खड़ा हूँ सर जी, साइड में खड़ा हूँ मैं। और भाई इसके अंदर से तो एक्चुअली खाना निकला, लेट्स गो, मुझे एक्चुअली खाना चाहिए था। अभी दूसरी आइटम भाई, मुझे कुछ सोने वाली है, लेट्स गो गाइस, मैंने एक्चुअली सोना बोला और सोना ही निकला। अरे ये तो वही मशीन है जहाँ पर आलू डालो तो सोना निकलता है। अरे भाई ये तो सही है, आ जाओ भाई इसको खाली करके देखते हैं, लेट्स गो। खराब हो जाएगी वो। मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा सामान मिला भाई, मुझे यहाँ पर एमरल्ड मिला, मुझे यहाँ पर ऑब्सीडियन मिला, क्या क्या सामान मुझे यहाँ पर मिला। अरे तूने मेरी मशीन खराब कर दी यार। काय की मशीन खराब कर दी? नहीं चलाते आराम से, प्यार से चलाते हैं इसको। अच्छा अच्छा आराम से चलानी पड़ती है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं भाई, मेरे पास जो एमरल्ड है गाइस, मुझे एक्चुअली यहाँ पर एमरल्ड चाहिए तो नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पर गाँव वाले तो है ही नहीं, तो मैं इसके अंदर रखूंगा एमरल्ड। मुझे ऑब्सीडियन भी नहीं चाहिए तो मैं इसके अंदर मैंने ऑब्सीडियन भी फेंक दी और चपाती भाई ने एमरल्ड वाला चला ही दिया। क्या निकला क्या उससे? कोई बात नहीं भाई, एक काम करते हैं मैं इसके अंदर पूरी ऐसे डर्ट भर लेता हूँ। अब भी ओपी आइटम्स देखेंगे डेफिनेटली। ओके हट जा, पीछे हट जा। भाई वैसे ये भी सही बात है, तो ऑब्सीडियन यूज करके मैं पोर्टल भी बना सकता हूँ। अभी तेरे को दिखाता हूँ मैं टीयर 2 वाला, ये क्या कहते हैं। ओके तो यहाँ पर गाइस लिखा है टीयर 2, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई खतरनाक चीज निकलेगी। अबे यहाँ पे तेरे को थोड़ी बहुत ओपी आइटम्स आ, वो तेरे को बदले में और ओपी आइटम्स देगा। भाई अगर मैं इसके अंदर आर्मर डालूं तो क्या ये मेरा आर्मर एन्चेंट करेगा क्या? मैं भी ट्राई कर ले, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया इन लोगों को यार। आ जाओ ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस टीयर 2 वाले डिस्पेंसर के अंदर मैंने आर्मर रख लिया है और चपाती भाई जरा चला के देखना उसको। ए हट जा सामने से, कहीं उल्टी ना कर ले, पीछे जा। पीछे खड़ा हूं मैं, पीछे खड़ा हूं। तो चलो चपाती भाई चला दो उसको, और कुछ भी नहीं निकला। तेरा सामान मार गया। अबे निकला तो ये सामान पीछे से निकला, चपाती भाई ने मेरा सामान
कमान मार दिया लेकिन भाई एक्चुअली एन्चेंट हो चुका है। कहाँ पे गया भाई मेरा चेस्ट प्लेट? तो इसके ऊपर क्या लगा? अनब्रेकिंग 10 लगी हुई है भाई साहब। और फ्री में चीजें मिल रही हैं। वही तो, क्या ओपी एन्चेंटमेंट्स निकल रही हैं। चलो भाई अभी मुझे अपना बाकी का आर्मर भी चाहिए, तो अभी अगर मैं फिर से चलाऊं तो चपाती भाई सब लूट रहे हैं भाई मुझसे। हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, एक सेकंड में तोड़ के आता हूं। तो अगर मैं पैंट की एन्चेंटमेंट देखूं तो पैंट के ऊपर लगी है सोल स्पीड 10। तो गाइस अगर मैं सोल स्टैंड के ऊपर जाऊंगा तो मुझे यहां पर गाइस खतरनाक स्पीड मिलेगी। और हेलमेट के ऊपर लिखा है रेस्पिरेशन 10, लेट्स गो। तो अभी मैं कभी डूब ही नहीं सकता। और बूट्स के ऊपर कम ऑन फेदर फॉलिंग 10। अच्छा फायर प्रोटेक्शन, चलो ये भी सही है, मैं ये वाले लगा लेता हूं। ओके अभी इसके बाद तेरे को यहां पर टेस्ट करने अपने वेपन्स। कम ऑन भाई मुझे ये आर्मर और भी ज्यादा एन्चेंट करना है, तो एक काम करता है इसको मैं फिर से अंदर डाल लेता हूं और साथ में गाइस मैं अपने वेपन्स भी डाल लेता हूं। तो डबल डबल वो चला दो। और अभी इसके ऊपर आ चुकी है मेंडिंग 10, और इसके ऊपर भी मेंडिंग 10 लगी हुई है। इसके ऊपर लगी है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 10, तो मैं ये भी लगा लेता हूं मेंडिंग 10। और इसके ऊपर क्या लिखा है डेप्थ स्ट्राइडर 10, तो मैं ये भी लगा लेता हूं। और सोर्ड के ऊपर लगी है स्माइट 10। भाई ये तो क्या खतरनाक, भाई खतरनाक एन्चेंटमेंट मुझे दे रहा है। ओके अभी तेरे को दिखा, अभी तूने टियर 3 नहीं देखा मेरे भाई। भाई मैं इसके ऊपर, भाई मुझे और भी चीजें टेस्ट कर दे। तो अभी मैंने इसके ऊपर रख लिया। ओ भाई ओ भाई ये क्या कर रहा है? ओबे भाई अंदर से तो TNT निकल गया। वो तू दे रही डिस्पेंसर पूरे मेरे फैक्ट्री खराब कर दी यार। अरे भाई डिस्पेंसर सारे नीचे गिरे हुए हैं भाई, उठा लो वहां से। मैंने बोला था कि नहीं, बड़े बंदे यहां पर अलाउड नहीं है। हाय मुझे पता ही नहीं था कि अंदर से TNT निकलेगा। डिस्पेंसर ने देख लेके तो मनहूस है, तभी फट गया वो। ओके अभी हमारे डिस्पेंसर फिर से यहां पर आ चुके। तो अभी अगर मैं फिर से टेस्ट करके देखूं तो TNT निकलेगा क्या? वो अबे देखा भाई अंदर से फायर वर्क निकला। तेरे को मैंने बोला था उल्टी कर देगा, ये वाला बहुत तेज है यार। ये तो भाई खतरनाक डिस्पेंसर अटैकिंग वाला है। तो एक काम करते हैं, एक मिनट भाई मैं 2-3 ब्लॉक्स और मुझे देखने। तो अभी अगर मैं फिर से चला के देखूं तो फिर से अटैक करने ही सोच रहा हूं। अरे गोल्डन एप्पल्स निकले, लेट्स गो। ये होती है ना भाई ओपी ओपी आइटम्स। अभी गोल्डन एप्पल डाल, क्या पता एन्चेंटेड वाले दे। ओ ये आ जाओ ट्राई करके देखते हैं भाई, अनब्रेकिंग 10 वाला एप्पल निकलेगा। अच्छा तुम्हें भाई एक्सपी मिला, एक्सपी ऑब्वियसली तेरे को गेम को कंप्लीट करना है, तो तेरे को भाई मेरे एक्सपी भी। फिर से TNT आ गया। सॉरी भाई, चलो एक काम करते हैं, टियर 2 वाला मुझे और नहीं चलाना है। अभी एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं टियर 3 वाले डिस्पेंसर के ऊपर। ओके गाइस अभी हमने सिक्योरिटी के लेवल्स और ज्यादा बढ़ा दी है। तो गाइस लास्ट टाइम हमें यहाँ पर ढेर सारा ऑब्सीडियन मिल रहा था, तो वही ऑब्सीडियन यूज करके हमने गाइस अभी यहाँ पर ऑब्सीडियन का ही ग्राउंड बना लिया। ओके आ जाओ अभी मुझे टेस्ट करना है टियर 3 वाला। तो सबसे पहले मुझे एक बार फिर से इसके अंदर डालना है अपना आर्मर। भाई आर्मर कितनी बार एन्चेंट करेगा, नुबड़ा है क्या? तो इस वाले के अंदर से लेवल 10 वाली चीजें निकली, तो इसका मतलब ये कि इस वाले के अंदर से लेवल 100 वाली एन्चेंटमेंट्स निकलेंगी। ये इस बार लेवल 100 वाला TNT कहीं ना आ जाए। खोलो खोलो, और इसके अंदर से क्या निकला भाई? वो लेवल 1000 निकल रहा है भाई साहब। क्या चीजें मुझे यहाँ पर मिल रही है। तेरे पास तलवार कहाँ है? तलवार तो आई नहीं, तलवार मेरी मार दी भाई इन लोगों ने। कहाँ पे पड़ी है? ये पीछे पड़ी हुई है भाई मुझे। अच्छा मैंने ऑलरेडी पकड़ के रखी है। तो इसके ऊपर नॉक पैक 1000 लगा हुआ है। क्या ओपी ड्रैगन मर जाएगा भाई से? तो भाई इमेजिन अगर मुझे यहाँ पर शार्पनेस 1000 मिल गया तो एकदम से परफेक्ट हो जाएगा। स्वीपिंग एज 1000, ओ माय गॉड खतरनाक। मुझे यहाँ पर स्वीपिंग एज भी मिल चुका है। और मुझे क्या मिला भाई? क्या ओपी चीजें मुझे यहाँ पर मिल रही है? तेरे को सिर्फ शार्पनेस नहीं मिल रही भाई। भाई मुझे भाई शार्पनेस ही चाहिए इसके ऊपर। अभी क्या निकला भाई? अभी यार लूटिंग निकल आ चुकी है। अबे ब्लेज को छोड़ो, आ जाओ गोलम को मार के देखते हैं। नुबड़े कहेंगे गोलम ये ले। एक दो ही हिट में मर गया भाई। ये तेरे तो को बोल रहा हूँ शार्पनेस लगवा ले इसके ऊपर। ओ ये आ जाओ, एक काम करते हैं गाइस अभी मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी गाइस मुझे इसके ऊपर लगानी है शार्पनेस 1000। कम ऑन ट्राई कर। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप सब अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो डेफिनेटली अगली एन्चेंटमेंट होगी शार्पनेस वाली। रुक जा मैं दबाता हूं, तू मनहूस है। चल अच्छा चलो, हाँ आप दबा दो। और इसके ऊपर से क्या निकला ही नहीं भाई, शार्पनेस निकला ही नहीं। चल फिर से करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वन लास्ट टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शार्पनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा रेयर है, तभी ये नहीं हो चुकी है तलवार। उसके ऊपर कुछ और लग नहीं सकता मामा। अच्छा और लग नहीं सकता यार। लोगी तो एकदम से बेवकूफ है और तू एकदम से बड़ा वाला मनुष्य है। रहने दो भाई, चुका है कि तू खोता है। तेरे मुंह से बास आ रही है जब तू बटन दबाने जाता है। रहने दो, बास नहीं आ रही है भाई, मैंने एक्सपी की बोतल मारी है अपने ऊपर। ट्राई कर चल। ओ आ जाओ भाई डायमंड वाली ट्राई करके देखते। तो गाइस अब की बारी मैंने फिर से अपना आर्मर डाल दिया है उसके अंदर। और आ जाओ लेट्स गो, सारा मैं यहाँ पर चला लेता हूँ। और प्लीज कम ऑन, मुझे शार्पनेस चाहिए, मेंडिंग मुझे मिली। चलो भाई वैसे मेंडिंग भी सही है। और काम करते मैं जल्दी से अपना आर्मर यहाँ पर फिर से डाल लेता हूँ। और ये लो चपाती भाई, अभी आप मार के दिखाओ। ओके अभी अभी मुझे देखना है कि कौन मनुष्य है यहाँ पे। मुझे सीक्रेट कोड मारना पड़ेगा। हाँ मैं देख रहा हूँ, चलो। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, इमेजिन छोड़ दिया और नॉक पैक निकला यहाँ से। दबाया भाई, मेरे को दबाना था। तो ये लो भाई, अब की बारी आप दबा दो, मैं पीछे खड़ा हूँ। एंड फटाक से और क्या निकला? सॉरी 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 भाई, इसके ऊपर फिर से लूटिंग आई। वापस
अभी मैं डालता हूं, चलो अभी सब कुछ चपाती करेंगे ठीक है भाई, अभी यूज भी आप ही कर लेना, कमर में पीछे से खड़ा हूं। निकलिया नहीं भाई, कुछ निकला ही नहीं भाई, ये देख। अच्छा निकला क्या? इसके ऊपर क्या लगी है? नॉकबैक। अरे यार नॉकबैक है यार। अच्छा सुनो, हमने इसके अंदर टूल्स तो डाल दिए, एक काम करते हैं अभी डर्ट ब्लॉक्स डाल के देखते हैं। और ये नेदरराइट की शॉट कहां से आ गई भाई? चमत्कारी ब्लॉक है भाई इसके अंदर। भाई इसके अंदर से तो फ्री नेदरराइट की शॉट हमें मिल चुकी है, लेट्स गो। और वो अबे मोटे मोटे डायमंड के ब्लॉक्स निकल रहे हैं, एमराल्ड के ब्लॉक्स निकल रहे हैं, और शार्पनेस 1000, लेट्स गो। क्या बात है, फाइनली गाइस हम यहां पर शार्पनेस मिल चुके। तो एक काम करते हैं शार्पनेस वाली शॉट में फिर से उसके अंदर डाल लेता हूं। और कमन अभी मुझे और ओपी माल चाहिए। टोटम तेरे को मिल रहे हैं भाई? टोटम मुझे मिल रहे हैं, लूटिंग 1000 इसके ऊपर आ चुकी है, लेट्स गो यार। क्या ओपी ओपी चपाती बने आते ही मेरी सोड मार ली। मार लो भाई, मार लो, बड़ी खतरनाक वाली है ये ले। भाई वो शार्पनेस वाली सोड वापस दे दो यार मुझे, वो बड़ी खतरनाक सोड है और इसके ऊपर आ चुकी है अभी मेंडिंग। अभी सबसे पहले जाते हैं ब्लेज को मारते हैं, ओ ये आ जाओ। और ये हमारी पोर्टल लैंड्स बन चुकी है, और आ जाओ भाई। अच्छा मुझे अकेला जाना पड़ेगा क्या? भाई तू प्रो बंदा, तेरे पास शार्पनेस 100 है। तो अभी मैं नेदर के अंदर यहाँ पर आ चुका हूँ, और बिल्कुल मेरे सामने गाइस ब्लेज का स्पॉनर पड़ा हुआ है। तो पहले मैं यहाँ पर एक गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ, मैं हाथ में ऑल्सो एक टोटम भी पकड़ लेता हूँ। मरेगा तू मेरे भाई, मरेगा। आ जाओ भाई, मेरे पास शार्पनेस 1000 की सोडा ये लो। और लेट्स गो भाई साहब, मेरे पास 64 आते ही आ चुके हैं। चपाती में आ रहा हूँ मैं फिर से, जल्दी कर। और नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पर ढूंढनी है एंडरमैन, और मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ। तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत खाना भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओ कितने भाई एंडरमैन यहाँ पर आसपास होगा यार, भाग ये रहा। काम पर है भाई, भाई मेरे पीछे ये रही ये रहा नूबड़ा, आ जा ये ले पट से हेडशॉट। और मुझे कितने मिले भाई? मुझे यहाँ पर 4 मिले। अरे कोई बात नहीं भाई, तूने एक मारा तेरे को 4 मिले, इसका मतलब ये है कि अगर तूने एक एंडरमैन और मारा तो तेरे पास जस्ट अबाउट इनफ आ जाएंगे। ये आ जाओ भाई, एक और एंडरमैन ढूंढते हैं। तो पूरे 3 घंटे का इस डिस्पेंसर घुमाने के बाद मेरे पास फाइनली सारी ओपी माल आ चुका है। अरे भाई साहब यहाँ पर आ चुकी है, और ये लो नूबड़े कहेंगे। और अभी बिल्कुल करना है। अरे भाई डिस्पेंसर को छोड़ो भाई, पहले गाइस मुझे ये पोर्टल यहाँ पर एक्टिवेट करनी है। और लेट्स गो, सीधा भाई मैंने छलांग मार ली, लेट्स गो। मुझे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और मैंने भाई एक चीज मुझे अभी याद आई, हमने तीर कमान तो बनाया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, बुलीचे आएगा तो एक ही शॉट में उसको मार दियो। ये भाई ये भी एकदम से सही है गाइस, हमारे पास यहाँ पर ओपी तलवार तो आ ही चुकी है एंडरमैन की। हां ये तो भाई मुझे अभी छू ही नहीं सकता, ये लो नूबड़े कहेंगे। ये कैसी भाई नूबड़ो वाली आवाज निकाल रहे हो? ओके आई डोंट थिंक तेरे को लाइट तोड़नी पड़ेगी, वो एक ही बार मर जाएगा भाई। तो और नूबड़े और ड्रैगन थल्ले ओए। तो यहाँ से मैं ऐसे चलाऊंगा एंडर पर्ल, और आई थिंक मैंने मिस कर दिया भाई, और लेट्स गो। अबे एंडर पर्ल कहाँ गए? अरे देखा भाई मैंने कैसे तोड़ दिया, नीचे कैसे आया वो? नहीं तो भाई मैंने वो इसलिए क्योंकि मैंने दो एंडर पर्ल मारे। ये था क्या भाई? ये होते हैं गाइस GTA 5 के खतरनाक MLG, सॉरी GTA 5 नहीं माइनक्राफ्ट। इसी बात पे एक सब्सक्राइब का बटन। तो ड्रैगन मर गया भाई? ड्रैगन मर कैसे गया भाई? व्हाट? अच्छा आई थिंक मैं समझ गया था, आई थिंक गाइस मेरे आर्मर्स के ऊपर थोन 1000 लगी हुई है तभी वो मर गया। और इसी के साथ ही गाइस हमने 2 सेकंड के अंदर ड्रैगन को मार लिया। तो चलिए गाइस आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी। तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।